हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एपिथीलिया. किताब का नाम है इंदरबीर सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी और उसका यह है चैप्टर नंबर 3. एपिथीलिया एक ऐसा टॉपिक है कि जो अगर आपको नहीं समझ में आया तो बहुत सारी चीजें आपको ह्यूमन मेडिसिन में समझ नहीं आएंगी, बिकॉज एपिथीलिया से आपको ये पता लगेगा किस ऑर्गन की कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें किस तरह का ट्यूमर सकता है, उसमें किस तरह के अल्सर हो सकते हैं. सो एपिथीलिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसलाइन कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसीलिए इस चैप्टर पर मैं चाहता हूं कि आप स्पेशल तवज्जो दें और एंड तक इस लेक्चर को सुने. थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन कोशिश करूंगा इसको आसानी से और धीमे धीमे आपको समझाऊं ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्टोलॉजी कॉल्ड एपिथीलिया. ठीक है. Now, epithelia है क्या? This is basically one or more layers of cells that cover the outer surface of the body or line the luminal surfaces of the tubular structures of the cavities of the body. ठीक है. देखो एपिथीलिया सिंपल वर्ड्स में आपकी बॉडी की जो आउटर लेयर है जो कि आपकी स्किन है. सपोज ये मैं एक बंदा बना रहा हूं, यार एक तो ड्राइंग मेरी पता नहीं कब सही होगी, अजीब से एलिफेंटियासिस वाले मैंने हाथ और पांव बना दिए हैं, बट एनीवेज ये एक बंदा है. सो इसकी ये आउटर लेयर है स्किन की. सो जो आउटर लाइनिंग है ये भी एपिथीलिया कहलाती है. अब सपोज किसी का इनर लाइनिंग है, ये इसोफेगस चल रहा है, ये स्टमक चल रहा है और ये इंटेस्टाइन चल रही है. सो ये जो ट्यूबुलर कैविटीज है इनको भी अंदर से जो सेल्स लाइन करेंगे उसको भी हम एपिथीलिया ही नाम देंगे. सो एपिथीलिया बेसिकली कवर करता है आपके आउटर या आपके इनर लेयर्स को. ठीक है. और ये जो एपिथीलियल सेल्स हैं इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या हैं? नंबर वन, दे आर वेरी सेलुलर. अभी पढ़ाऊंगा कि सपोज अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहां सेल्स यूं हैं एपिथीलिया के, तो जरा गौर से देखिए इन सेल्स के बीच में कोई जगह नहीं है. ये सेल्स बहुत टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए कहते हैं दे आर वेरी सेलुलर विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. यानी सेल्स के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती, टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. दे आर यूजुअली एवास्कुलर, बहुत ज्यादा इसमें ब्लड सप्लाई अलग से नहीं आ रही होती, इसमें न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन के जरिए एंटर होते हैं. अच्छा, सेल्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो रेड कलर की मैंने नीचे मेम्ब्रेन बनाई है दैट इज कॉल्ड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर सेल्स होते हैं. दी सेल्स शो पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब यह है कि एक इसकी सेल की सरफेस वो होगी जो मेम्ब्रेन की तरफ होगी और एक जिसको बेसल सरफेस भी कहते हैं, और एक सरफेस वो होगी जो ल्यूमेन की तरफ होगी. यानी सपोज अगर किसी की ये इसोफेगस है तो इसोफेगस में सेल्स यूं हैं और ये जो सेल्स हैं यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी तो ये वाली बेसल सरफेस कहलाएगी और ये चूंकि ल्यूमेन है इस तरफ जो सेल की फेस होगा इसे हम कहेंगे ल्यूमिनल. तो तमाम ट्यूब्स जितनी भी बॉडी में है उसमें ल्यूमिनल सरफेस होती है और बेसल सरफेस होती है. तो चूंकि ये दो सरफेसेस होती हैं इसीलिए हम कहते हैं कि दे शो पोलैरिटी. सेल्स मे डिस्प्ले सरफेस मॉडिफिकेशन. बाज सेल्स में सरफेस पर यहां पे विलाय होते हैं एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, बाज में बाकायदा ब्रश बॉर्डर होता है, इतने सारे विलाय होते हैं. सो सरफेस मॉडिफिकेशन होती हैं एपिथीलियल सेल्स में. एपिथीलिया का काम क्या है? प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बॉस, ये आपका स्टमक है. स्टमक के अंदर आपको पता है बैटरी की तरह का एसिड होता है यार, HCl मौजूद है यहाँ पे, जो आपके स्टमक की लाइनिंग की मतलब बेड़ा गरक कर देगा. लेकिन उससे बचने के लिए नेचर ने आपको यहाँ पे एपिथीलिया दी है. तो ये HCl जो है वो आपके स्टमक को डायरेक्टली डैमेज नहीं करता, अगर डैमेज करेगा तो अल्सर हो जाएगा. लेकिन बहरहाल इस एपिथीलिया का इंपॉर्टेंट काम है प्रोटेक्शन. फिर बहुत सारी जगहों में बॉडी में एब्जॉर्प्शन इसका काम है. यानी कि सपोज आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में सारा डाइजेस्टेड फूड बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसमें बाकायदा विलाय होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए. तो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन एपिथीलिया का है एब्जॉर्प्शन. एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब यह है कि कुछ चीजें यहां आएंगी. अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब रीनल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि जो नेफ्रॉन है उसमें जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसके जो सेल्स हैं वो सारा दिन काम यही करते हैं. हाइड्रोजन इधर, पोटेशियम उधर, सोडियम इधर, ग्लूकोज उधर, एक्सचेंज. तो यह भी एपिथीलियल सेल्स का काम है. और फिर सिक्रीशन. वो एपिथीलिया जो सीक्रीशन करते हैं उनको नाम देते हैं ग्लैंड्स. तो आपकी बॉडी में बहुत सी जगह पे तो एपिथीलिया है जो सीक्रीशन नहीं करती, लेकिन बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे एपिथीलिया से कुछ ना कुछ सीक्रीट होता है. तो ऐसे एपिथीलियम को जो सीक्रीटरी फंक्शन भी करे हम नाम देते हैं ग्लैंड्स. तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि एपिथीलिया की डेफिनेशन क्या है, एपिथीलिया के कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके मोटे मोटे मेन मेन फंक्शंस क्या हैं. अब
भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा ध्यान से सुनना है कि एपिथेलिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलिया। सो क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जरा ये टेबल देखते हैं। इंदरबीर सिंह की टेक्स्ट बुक की जबरदस्त बात यह है कि वो जगह जगह इस तरह आसान से टेबल बना के समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखो बॉस, ये टेबल अभी एक दफा बता रहा हूं और इस लेक्चर के आखिर में एक दफा फिर दिखाऊंगा, तो अभी जितना समझ में आएगा ऑब्वियसली लेक्चर के आखिर में उससे ज्यादा समझ में आएगा, और लेक्चर के एंड में आपको इस टेबल पे लिखा हुआ एक एक लफ्ज बिल्कुल क्लियर होगा। अब जब हम बात करते हैं एपिथेलियल क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो एपिथेलिया है उसमें सेल्स की लेयर्स कितनी है। अगर सेल की एक लेयर है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बॉस ये हुआ कि सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एक वैरायटी ये है। दूसरी वैरायटी ये है बॉस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और सेल्स की एक लेयर यूं है, इसके ऊपर सेल्स की एक लेयर यूं है, उसके ऊपर सेल्स की एक और लेयर है। तो देखें पहली कैटेगरी में क्या हो रहा है, कैटेगरी नंबर वन, जिसमें देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ सेल, यूनिलेयर्ड, उसको हम नाम देते हैं सिंपल एपिथीलियम। तो एपिथीलियम की पहली टाइप सिंपल एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम वो एपिथीलियम होती है जिसमें सेल्स की सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है। दूसरी कैटेगरी क्या थी, नंबर टू, इसमें एक लेयर नहीं है बल्कि बहुत सारी लेयर्स हैं, और अगर बहुत सारी लेयर्स हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम। स्ट्राटा कहते हैं लेयर्स को, तो यहां पे चूंकि मल्टीपल लेयर्स हैं तो स्ट्राटिफाइड या मल्टी लेयर्ड, ये है सेकंड कैटेगरी एपिथीलियम की। अब आती है जनाब थर्ड कैटेगरी, वो जरा डायग्राम पे समझाता हूं फिर आपको उसका नाम बताता हूं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक सेल यू है, दूसरा सेल यू है, तीसरा सेल यू है, चौथा सेल यू है, पांचवा सेल, छठा सेल। देखने में अगर मैं इस पूरे सेल्स को देखूं तो शायद मुझे लग रहा है कि एक लेयर ऊपर चल रही है कोई सेल्स की और एक लेयर नीचे चल रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक जा रहा है। देखो ये सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इनफैक्ट ये जो ऊपर निकला हुआ है सेल ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है। तो ये सेल टाइप ऐसी सेल टाइप है जो दिखने में लगती है स्ट्राटिफाइड लेकिन एक्चुअली स्ट्राटिफाइड नहीं है, क्योंकि हर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, जबकि जो स्ट्राटिफाइड होते हैं उसमें जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन तक नहीं आते। तो अगर सेल इस तरह के हों एपिथीलियम के कि जिसमें देखने पर लगे कि दीज आर स्ट्राटिफाइड लेकिन वो स्ट्राटिफाइड ना हो एक्चुअली, ऐसी सेल टाइप या ऐसी एपिथीलियम टाइप को हम कहते हैं सूडो स्ट्राटिफाइड। सूडो का मतलब यह है कि फॉल्सली ऐसा लगता है कि यह स्ट्राटिफाइड है लेकिन एक्चुअली स्ट्राटिफाइड नहीं है। यानी अब अगर मैं सारी कहानी को समराइज करूं तो एपिथीलिया की तीन ब्रॉड टाइप्स क्या हैं? पहली कैटेगरी, अगर एक लेयर ऑफ सेल्स है, एक लेयर ऑफ सेल्स सिंपल इस तरह, तो ये कहलाएगा सिंपल एपिथीलियम। अगर मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, तो नंबर टू स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम, और अगर फॉल्सली ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल लेयर्स हैं तो सूडो स्ट्राटिफाइड। बात समझ में आ गई। अब जो सिंपल एपिथीलियम है उसकी फिर तीन कैटेगरीज हैं, इनको हम कह देते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। सो जो सिंपल एपिथीलियम है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, एक सिंपल एपिथीलियम की कैटेगरी, दूसरी सिंपल एपिथीलियम की कैटेगरी और तीसरी सिंपल एपिथीलियम की कैटेगरी, और ये तीनों अभी आपको समझ में आ जाएंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहली कैटेगरी जिसको हमने ए नाम दिया है, उसमें सेल्स हैं इस तरह, लुक एट दीज सेल्स, ओके। दूसरी कैटेगरी जिसको हमने बी नाम दिया है, उसमें सेल्स हैं इस तरह, लुक एट दिस, ओके। और जो तीसरी कैटेगरी है जिसको हमने सी नाम दिया है, उसमें सेल्स हैं इस तरह। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखें ए वो है जिसमें फ्लैट सेल्स हैं, इसको कहते हैं स्क्वामस एपिथीलियम, फ्लैट सेल्स इज स्क्वामस एपिथीलियम। बी वो है जिसमें रफली स्क्वायर शेप सेल्स हैं, इसको कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम। देखें हाइट एंड विड्थ आर इक्वल, हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल्स आर इक्वल, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। और तीसरा वो है जिसमें हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, इसको हम नाम देते हैं कॉलुमिनर एपिथीलियम, हाइट इज मोर देन विड्थ, कॉलुमिनर एपिथीलियम। सो
सबसे पहले ये देखना है कि सेल्स की एक लेयर है या मल्टीपल लेयर्स है। अगर एक लेयर है तो सिंपल एपिथीलियम। फिर ये देखना है कि उस एक लेयर की शेप कैसी है। अगर वो फ्लैट है तो स्क्वायरस, अगर वो क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल, अगर वो कॉलमनर है तो कॉलमनर। समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब जो मल्टीपल लेयर वाली कैटेगरी थी यानी स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, इस स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम की फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक को नाम देते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम, जिसका मतलब यह है कि जो डीप लेयर्स हैं दे मे बी कॉलमिनर इन शेप, बट जो टॉप लेयर है वो स्क्वायमस होगी। क्या मतलब हुआ बॉस, दिखाता हूं। सपोज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में नीचे एक लेयर है सेल्स की, ऊपर फिर एक लेयर है सेल्स की, क्योंकि ये हम मल्टीपल लेयर या स्ट्रैटिफाइड लेयर्स की बात कर रहे हैं, और फिर जो सेल्स हैं वो यूं हैं फ्लैट। ठीक है, तो अब ये जो डीप सेल्स हैं, डीप सेल्स क्यूबॉइडल हैं या कॉलुमिनर हैं, लेकिन जो सरफेस पे सेल्स हैं ये वाले ऊपर वाले सेल ये फ्लैट हैं। तो अगर इस तरह हो कि डीप लेयर कॉलुमिनर हो और सरफेस के सेल्स स्क्वायमस या फ्लैट हो, तो इसको हम नाम देते हैं स्ट्रैटिफाइड, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं, और स्क्वायमस क्योंकि ऊपर की लेयर स्क्वायमस है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम। ये नाम सारे अब समझ में आने चाहिए। स्ट्रैटिफाइड की दूसरी कैटेगरी है डीप लेयर्स आर क्यूबॉइडल rounded or polygonal in shape, but the surface layers are round umbrella shape, they are not flat. ऐसी epithelium को हम नाम देते हैं transitional epithelium. तो अब इस टेबल पर मौजूद ये तमाम टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो बाकी का लेक्चर है ना वो इन्हीं को एक्सप्लेन करेगा। हर एपिथीलियम को वन बाय वन मैं पिक करूंगा, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम को, और ये बताऊंगा कि वो होते कैसे हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी लोकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है। लेकिन बॉस मोटी मोटी बात, जब कभी एपिथीलिया को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिंगल लेयर है या डबल लेयर है। अगर सिंगल लेयर है सेल्स की तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल एपिथीलियम, मल्टीपल लेयर्स हैं तो स्ट्रैटिफाइड, और अगर फॉल्स मल्टीपल लेयर्स हैं तो सूडो स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करो यार, बार बार देखो, क्योंकि ये समझना जरूरी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एपिथीलिया की शुरू में कितनी कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज, सिंपल एपिथीलिया, स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया और सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। ठीक है, आओ अब इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, किताब में पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। राइट, अब देखो क्या कह रहा है ये, एपिथीलियम में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल, ये बात समझ में आ गई, इट इज कॉल्ड यूनिलेयर्ड और सिंपल एपिथीलियम, टेबल में समझा दिया मैंने। अल्टरनेटिवली इट मे बी मल्टीलेयर, तो उसको हम नाम देंगे स्ट्रैटिफाइड। ठीक है ना, और इट कैन बी सूडो स्ट्रैटिफाइड, ये भी मैंने समझा दिया, ऊपर वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अब सिंपल एपिथीलियम जो है यूनिलेयर्ड, एक लेयर वाली, दे हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बात हमने समझ ली है। इट मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल्स, अगर शेप ऑफ द सेल फ्लैट है यानी ये एपिथीलियम है और ये फ्लैट सेल्स चल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं स्क्वायमस एपिथीलियम, अगर शेप ऑफ द सेल्स क्यूबॉइड फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और अगर शेप ऑफ द सेल्स कॉलुमिनर है तो उसको हम कहते हैं कॉलुमिनर एपिथीलियम। इजी टू अंडरस्टैंड, अगर लेक्चर शुरू का सुन लिया है ना तो अब आगे का लेक्चर बहुत हलवा होने वाला है आपके लिए। सूडो स्ट्रैटिफाइड में बता चुका हूं कि ये फॉल्सली लगता है कि दे आर मल्टीपल लेयर्स, लेकिन एक्चुअली ये एक ही लेयर होती है, यानी एक सेल इस तरह से होगा, दूसरा सेल इस तरह से होगा, तीसरा सेल फिर इस तरह से होगा, तो दिखने में मल्टीपल लेयर लग रहा होता है, बट सबके सब ये चूंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं इसलिए ये एक्चुअली सिंपल एपिथीलियम है। मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रैटिफाइड, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। इजी बीजी गाइस, आसानी से समझ में आ रही है बात, क्योंकि शुरू में हमने अच्छे से समझ लिया इस टॉपिक को। ये देखो ये हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज है, मुझे बताओ चलो ये कौन से हैं, फ्लैट सेल्स है तो स्क्वायमस होगा, एक लेयर है तो सिंपल स्क्वायमस होगा, सो दिस इज सिंपल सिंपल स्क्वायमस एपिथीलियम, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस क्या होगा, द डीप लेयर्स आर कॉलमनर बट दे, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू रिपीट दिस अगेन, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का मतलब है मल्टीपल सेल्स, स्क्वायमस का मतलब है कि ऊपर वाले सेल्स, यानी अगर ये सेल है तो यहां नीचे कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स हो सकते हैं लेकिन ऊपर फ्लैट सेल्स होंगे। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल क्या होगा कि नीचे कोई भी शेप के सेल्स हो, कॉलुमिनर हो या क्यूबॉइडल हो, ऊपर लाजमी तौर पे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर, नीचे कोई भी सेल की शेप हो, किसी भी तरह के सेल्स हो, लेकिन ऊपर वाले सेल्स जो सरफेस सेल्स हैं वो कॉलुमिनर होंगे। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर। ओके, ट्रांजिशनल एपिथीलियम मैंने आपको बताया था ब्लैडर में होती है, यूरोथेलियम में होती है, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं और जो सरफेस के सेल्स होते हैं दे आर राउंडेड। ठीक है,
अब वन बाय वन इन्होंने हर तरह की एपिथीलियम को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं सिंपल एपिथीलियम। चलो मुझे बताओ सिंपल एपिथीलियम का मतलब क्या है। सिंपल एपिथीलियम का मतलब ये है कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल होगा उसे हम कहते हैं सिंपल। अगर वो एक लेयर ऑफ सेल फ्लैट है तो उसे हम नाम देंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। ऐसे ही है ना। डिस्क्रिप्शन, इन सरफेस व्यू द सेल्स हैव पॉलीगोनल आउटलाइंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीजें वो हैं जो हम सब पढ़ चुके हैं। नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स फॉर्म्स ओनली अ थिन लेयर। जाहिर है क्योंकि ये फ्लैट सेल्स है ना तो इनका साइटोप्लाज्म काफी थिन होता है और सेंटर में इनका न्यूक्लियस होता है जो बल्ब्स क्रिएट करता है। ठीक है। नाउ विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द जंक्शंस बिटवीन द सेल्स आर मार्क्ड बाय ऑक्लूडिंग जंक्शंस। यानी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ये जो जंक्शन होगा ये ऑक्लूडिंग जंक्शन है, इसमें से कुछ गुजर नहीं सकेगा। जब जंक्शंस पढ़ाऊंगा तो ये फर्दर डिटेल में आपको टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है। दे आर ऑक्लूडिंग जंक्शंस दस टाइटली सील्ड एंड एनी सब्सटेंस पासिंग थ्रू द एपिथेलियम हैज टू पास थ्रू द सेल्स नॉट बिटवीन देम। यानी अगर ये सेल है, एक सेल यू है, दूसरा सेल यू है, तीसरा सेल यू है, तो सेल और सेल का जो जंक्शन है ना यहां से तो कुछ गुजर नहीं सकता, पूरे सेल में से उसको ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म कवर करना होगा डिफ्यूजन का। ठीक है। कहां होते हैं जनाब सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होती है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ये लोकेशंस आपको याद करनी है, प्लूरा या पेरिटोनियम की कवरिंग, मेसोथीलियम कहते हैं वहां पर इनको, लाइनिंग ऑफ द हार्ट वेयर इट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग एंडोथीलियम। सो ये तमाम रीनल ट्यूब्यूल्स, सम पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, सारी की सारी रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं, एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर। तो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं यहां पर कि सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम क्या होती है, फ्लैट सेल्स, ये इनकी लोकेशन कहां कहां होती है और अब इनका फंक्शन कहां होता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। एक बात नोटिस की आपने, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम हर उस जगह है जहां रैपिड एक्सचेंज का फिनोमिना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपके लंग्स एल्वियोलाय, देखो ये एल्वियोलाय होता है ना इस तरह, तो यहां पे जो सेल टाइप है वो सिंपल स्क्वैमस है क्योंकि यहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना है। इसी तरह आपकी ब्लड वेसल्स, अगर ये ब्लड वेसल है और यहां पे ये जो एंडोथीलियम है ये सिंपल स्क्वैमस है, क्यों? क्योंकि यहां से ट्रांसपोर्ट होना है कैपिलरीज के जरिए। सो जहां जहां रैपिड डिफ्यूजन या रैपिड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगा वहां वहां ये सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होती है। सो सिंपल स्क्वैमस डन एंड डस्टेड। अब हम बात करते हैं अगली सिंपल एपिथीलियम की जिसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल। मैं एक बार फिर रिपीट करा दूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और अगर सेल्स क्यूब शेप के हैं जिनकी लेंथ और वेट बराबर है तो इसे कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है। इसमें हाइट ऑफ द सेल्स इज अबाउट द सेम एज देयर विड्थ, इसीलिए इनको क्यूब कहा जाता है। ठीक है। इन सेक्शन दे अपियर क्यूबॉइडल, ऊपर से अगर देखें सेक्शन में देखें दे अपियर लाइक क्यूब्स, और साइड व्यू से दे अपियर लाइक क्यूब लाइक दिस। ओके। तो दे क्यूबॉइडल, देयरफॉर दे लुक लाइक दिस, इसीलिए इनका ये नाम है। कहां कहां होते हैं? A typical cuboidal epithelium may be seen in the follicles of the thyroid gland and ducts of many glands, the surface of the ovary, choroid plexus, inner surface of the lens, pigment. So, ये तमाम locations आपने याद रखनी है। Proximal convoluted tubes of the kidney, ये इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। इसलिए ये glands पर मौजूद हैं, kidney पर मौजूद हैं, क्योंकि इनका primary function क्या है? देखें, secretory and absorptive। यानी ये secretion में help करते हैं, इसीलिए glands में हैं। देखें ना, ovary पर भी मौजूद हैं, thyroid gland पर मौजूद हैं, बहुत सारे glands की ducts में मौजूद हैं। So they have a secretory function and they are also important for absorption। इनकी absorptive capacity भी है। ये हो गया जनाब सिंपल क्यूबॉइडल। अब बात करते हैं कॉलोमनर एपिथीलियम की जिसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और सेल्स यूं लंबे लंबे होंगे, कॉलोमनर। ठीक है। दीज सेल्स आर मच टॉलर कंपेयर टू देयर विड्थ, द न्यूक्लियाई आर एलोंगेटेड एंड लोकेटेड एट द लोअर हाफ, या इस तरह लोअर हाफ पे इनके न्यूक्लियाई होते हैं। यूजुअली तमाम न्यूक्लियाई एक ही लेवल पर होते हैं। ठीक है। देख रहे हैं आप, ये सारे सेल्स जो हैं इनकी एक ही लेवल पर ये न्यूक्लिया है, सब यहां इस तरफ नीचे की तरफ। ओके। अच्छा जी, अब ये कहां होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, डायग्राम में बताया हुआ। देखें, ये कॉलोमनर सेल्स हैं सारे और ये नीचे इनके न्यूक्लिया है। सो दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द कॉलोमनर एपिथीलियम लुक्स लाइक। ठीक है, इजी बात है। सरफेस व्यू पे कैसे नजर आते हैं और साइड से कैसे नजर आते हैं, सरफेस व्यू पे दे ऑल्सो लुक लाइक, ऊपर से अगर देखें सो ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम की तरह नजर आते हैं, लेकिन साइड से देखेंगे तो दे आर लॉन्गर। ठीक है।
They can be further classified according to the nature of the free surface. Free surface का मतलब क्या है? ये वाली surface. और अगर in some situations the cell surface has no particular specialization, they are called simple columnar epithelium. लेकिन कभी कभी they have cilia. तो इसको हम कहते हैं ciliated columnar epithelium. और sometimes they have microvilli. उसे हम कहते हैं striated border या brush border. तो ये जो basically इस diagram में अगर हम देखें, यहां पे एक कॉलमुलर एपिथेलियम ये है, एक कॉलमुलर एपिथेलियम ये है. इसमें यहां पे सीलिया मौजूद है, तो इसे कहेंगे सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम. और यहां पे छोटे छोटे माइक्रोविलाय मौजूद हैं, तो इसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर. इस पूरे बॉर्डर को नाम दिया जाता है ब्रश बॉर्डर. ये हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन. दे आर देयर फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो कॉलमुलर एपिथेलियम की ये मॉडिफिकेशन आपने याद रखनी है कि हो सकता है उनकी सर्फेस पर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो. नाउ वेयर आर द कॉलमुलर एपिथेलियम प्रेजेंट? लोकेशन, simple columnar is present over the mucous membrane of the stomach and large intestine. simple का मतलब ये था कि उसकी इस सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी. ठीक है, अच्छा, columnar epithelium with a striated border, यानी जिसमें microvilli थे, they are typically seen in a small intestine with a brush border and also in the gallbladder. क्यों? इंटेस्टाइन में एक्चुअली होता यह है कि ब्रश बॉर्डर इसलिए जरूरी है ताकि एब्जॉर्प्टिव एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, इसलिए ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर सीलिया वाले जो कॉलमुलर एपिथेलियम थे, यानी वो कॉलमुलर एपिथेलियम जिसमें माइक्रोविलाय नहीं बल्कि सीलिया होते हैं, विच आर लार्जर स्ट्रक्चर्स, दे आर यूजली प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब. अब देखो, बहुत सी सारी वो जगह हैं जहां पर मूवमेंट चीजों की जरूरी है. देखो, ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी से ये फ्लॉपियन ट्यूब्स हैं और फिर ये यूट्रस है, ये दूसरी ओवरी फ्लॉपियन ट्यूब. यहां पे जो कॉलमुलर एपिथेलियम है उसमें सीलिया होगा. क्यों? देखो ना यार, ओवम यहां आता है ना, ओवम को धक्का देना है, झाड़ू लगा के आगे पहुंचाना है, आगे पहुंचाना है. सो जहां पे इस तरह मूवमेंट चाहिए, इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये हमारा ट्रेकिया है, फिर ट्रेकिया से ब्रांचेस निकल रही है ब्रोंकस. तो यहां पे डस्ट पार्टिकल और म्यूकस को, ये जो सेल्स होते हैं, इन पे जो सीलिया होता है वो ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि आप उसको अपनी बॉडी से एक्सपेल कर सकें. जहां जहां इस तरह चीजों को धक्का लगाना पर्पज होगा, वहां वहां सीलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम होगी. जहां जहां चीजों को एब्जॉर्ब करना मकसद होगा, वहां पे स्ट्राइएटेड बॉर्डर वाली कॉलमुलर एपिथेलियम होगी. तो नेचर ने बेसिकली आपकी पूरी बॉडी को डिजाइन इस तरह किया है कि जिस ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको वैसे ही सेल्स दिए हैं. ओके, नाउ फंक्शंस क्या है जनाब कॉलमुलर एपिथेलियम का? सम कॉलमुलर एपिथेलियल सेल्स हैव सीक्रेटरी फंक्शन, यानी कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं. और सम ऑफ देम सीक्रेट म्यूकस, जैसे कि गॉबलेट सेल्स हैं. गॉबलेट सेल्स आपकी इंटेस्टाइन में जगह जगह होते हैं लाइक दिस. ये पूरी कॉलमुलर एपिथेलियम में देखें, ये कॉलमुलर एपिथेलियम का एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये इनकी न्यूक्लिया है, और बीच में एक सिंगल सेल है जो गॉबलेट सेल है और यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो इनका काम सीक्रीशन हो सकता है. दिस दे कैन सीक्रेट एंजाइम, दे हैव सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सो म्यूकस जमा हो जाती है, उसको ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द लैरिंग्स एंड फ्रेनिंग्स, और आप फिर ऐसे थू करके उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो ये भी कॉलमुलर एपिथेलियम का पर्पज है. फिर बात आती है जनाब माइक्रोविलाय इंटेस्टाइन में होते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़े एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये बात हो गई सारी जो हमें करनी थी अबाउट कॉलमुलर एपिथेलियम. अब आइए देखते हैं व्हाट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. इट इज नॉट अ ट्रू स्ट्रैटिफाइड, यानी ये मल्टीपल लेयर्स नहीं होती, बार बार बता रहा हूं, सिर्फ दिखने में लगती है. यूजली दे आर कॉलमुलर सेल्स और बेसल पार्ट ऑफ द सेल्स, और जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेल्स है वो बेसिकली दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को हिट करता है. ठीक है, सम ऑफ देम मे बेयर सीलिया, तो उसको सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं. दे मे आल्सो कंटेन गॉबलेट ग्लैंड्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी हो सकते हैं. आइए देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है, ये बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या है. सो दे हैव सीक्रेटरी फंक्शन, कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, और अगर कहीं पर सीलिया है तो ये एब्जॉर्ब करेंगे. कहां है लोकेशन? ऐसे सूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स जिनमें सीलिया नहीं होता, नॉन सीलिएटेड, दे आर प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, द डक्टस डेफरेंस एंड द मेल यूरेथ्रा. ये भाई याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछते हैं ये.
ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जिनमें सीलिया होता है, दे आर सीन इन द ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई. ठीक है, नाउ सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम विद स्टीरियोसीलिया व्हिच आर लॉन्ग माइक्रोविलाए आर सीन इन एपिडाइडमस. लोकेशन इंपॉर्टेंट है बॉस, लोकेशन का पता होना चाहिए, कौन सी एपिथेलिया किधर होती है और उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, बार बार वीडियो को रिवाइंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सो पे अटेंशन. ओके, तो सिंपल एपिथेलिया यहां पे हुई खत्म. अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलिया की सारी स्टोरी आपको समझा दी. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या मतलब था बॉस? स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगी, और अगर टॉप की लेयर स्क्वैमस है, जैसे कि देखो इस डायग्राम में दिखाया है, यहां पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहां पे एक सेल की लेयर, फिर दूसरी सेल की लेयर, फिर तीसरी सेल की लेयर, लेकिन जो टॉप लेयर है वो देखो फ्लैट सेल्स हैं. जो टॉप लेयर है अगर वो फ्लैट सेल होगी तो वो कहलाएगा स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि बहुत सारी सेल लेयर्स हैं, इसलिए स्ट्रेटिफाइड. स्क्वैमस क्योंकि टॉप लेयर स्क्वैमस है. सो द टाइप ऑफ एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स. ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो डीप लेयर है, ये वाली लेयर डीप लेयर कहलाती है, दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दे आर यूजली कॉलोमिनर इन शेप. लाइंग ओवर द कॉलोमिनर सेल्स आर द पॉलीहेड्रल, यानी ये वाले पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, और सबसे ऊपर ये वाले स्क्वैमस सेल्स हैं. तो ये है कंपोजिशन इसकी. ठीक है, तो ये बात यहां पे समझ में आ गई. As we pass toward the surface of the epithelium, they become progressively more flat, and so that the most superficial cells consist of the flattened squamous cells. Flattened squamous cells. यहां भी देखें, वही बात, ये नीचे वाली डीप लेयर्स हैं, उसके बाद ये पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, और ऊपर ये स्क्वैमस सेल्स हैं. तो स्ट्रेटिफाइड क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, स्क्वैमस क्योंकि टॉप पर स्क्वैमस है. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. अब समटाइम्स ये होता है के जो टॉप लेयर है उसके ऊपर केराटिन होता है, केराटिन की लेयर, ये नजर आ रही है, देखो सेल्स यहां तक हैं और ये फिर सारी जो लेयर है ये केराटिन की लेयर है. अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स के ऊपर केराटिन की लेयर होगी तो उसे हम नाम देंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स. और अगर केराटिन जैसे यहां पे नहीं है, ये सेल्स हैं ऊपर केराटिन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन केराटिनाइज. तो ये इसकी दो कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कैन बी नॉन केराटिनाइज्ड एंड केराटिनाइज्ड. अब दो हैं तो इन दोनों की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए. आइए पहले देखते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड. नॉन केराटिनाइज्ड क्यों? क्योंकि केराटिन नहीं है. स्ट्रेटिफाइड क्यों? क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं. स्क्वैमस क्यों? क्योंकि सबसे जो सुपरफिशियल लेयर थी वो स्क्वैमस थी और एपिथेलियम. तो नाम पूरा समझ में आना चाहिए भाई. ठीक है, नाउ इन सिचुएशंस वेयर द सरफेस ऑफ द स्क्वैमस एपिथेलियम रिमेन्स मॉइस्ट, द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर लिविंग एंड न्यूक्लियाई कैन बी सीन इन दैम. दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम. इसमें कोई केराटिन शेराटिन नहीं होता. ठीक है, अच्छा दूसरी कैटेगरी क्या है बॉस? दूसरी कैटेगरी है केराटिनाइज्ड, क्योंकि केराटिन मौजूद होता है. स्ट्रेटिफाइड क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं. स्क्वैमस क्योंकि टॉप लेयर स्क्वैमस है. एट प्लेसेस वेयर द एपिथेलियल सरफेस इज ड्राई सच एज इन द स्किन द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स डाई एंड लूज देयर न्यूक्लियाई. These cells contain a substance called keratin, which forms a non-living covering. तो skin पे होती है basically, ठीक है? Now, stratified squamous epithelium, both keratinized and non-keratinized, is found over those surface areas of the body that are subject to friction, जहाँ पे friction होगी, ठीक है? As a result of the friction, the most superficial are constantly being removed and are replaced by the proliferation of cells in the basal layer. ये वो जगह है जहां पे सेल टर्नओवर बहुत ज्यादा है. ठीक है, अभी मैं बताता हूं इसकी एग्जांपल लोकेशंस कहां कहां पे हैं. नाउ जो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, इट कवर्स द होल स्किन, पूरी स्किन पर होता है केराटिन वाली स्ट्राइड. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बॉस आपकी स्किन में एपिथेलियम कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड या सिंपल, स्ट्रेटिफाइड. केराटिनाइज्ड या नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड. ठीक है, तो नाउ आई थिंक इट्स स्टार्टिंग मेकिंग सेंस टू यू. Non-keratinized stratified squamous epithelium कहां होती है? Wet surfaces of the body. उसकी example है mouth, tongue, oropharynx, laryngopharynx. ये सारी वो जगह है जहां पे non-keratinized squamous epithelium है. Also the esophagus, vagina and cornea. ठीक हो गया, ये सब आपको बातें याद रखनी है. Now under pathological condition the epithelium in any of these may become keratinized. अगर कोई pathology है तो ये सारी जगह है जो actually non-keratinized है, इनमें keratin formation हो सकता है. What is the function? It is protective in nature and it keratin prevents dehydration. देखो भाई सीधी सी बात है, skin की covering है ना, तो इसका काम protection होगा. और
चूंकि ये इतने सारे सेल्स की लेयर है, अब जरा सोचो ना यार, नेचर ने इतने सारे सेल्स की जो लेयर आपके अंदर रखी है, इतने सारे सेल्स, ये देखो ये स्किन का सेक्शन है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, प्रोटेक्शन है बॉस इसका काम, और ऊपर केराटिन भी दिया है ताकि मजीद प्रोटेक्शन मिले। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का बेसिक फंक्शन स्क्वामस एपिथीलियम का है प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा अब अगली कैटेगरी सुनो, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या है? इट इज अ मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम एंड इज यूजुअली 4 to 6 सेल्स थिक। इट डिफर फ्रॉम द स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, स्क्वामस एपिथीलियम से डिफरेंट है इन दैट दैट द सर्फेस सेल्स आर नॉट स्क्वामस, क्योंकि अगर ये सर्फेस सेल स्क्वामस होते तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस बन जाता, लेकिन ये स्क्वामस नहीं है इसलिए ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। द डीपेस्ट सेल्स आर आइदर कोलमनर और कोबाइडल, द मिडिल सेल लेयर्स आर पॉलीहेड्रल एंड द टॉप सेल्स आर यूजुअली अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक हो गया। नाउ usually found in the urinary tract, particularly in the urinary bladder, ठीक है, urinary bladder, इसीलिए यहां से जो cancer बनता है उसको हम urothelial carcinoma या transitional cell carcinoma भी कहते हैं, right? आगे चलते हैं जनाब, ये डायग्राम्स बताई हुई है इनकी, कहां होते हैं? ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज फाउंड इन द रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। बिकॉज दे आर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूरिनरी सिस्टम, दिस एपिथीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम। ये मुझसे मेरे एग्जाम में वायवा भी हुआ था, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर का वायवा दे रहा था तो मुझसे पूछा था कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम का दूसरा नाम क्या है। उस वक्त तो खैर हमको घंटा कुछ नहीं पता था इस बारे में, भूल भाल गए थे ये चीजें पढ़ के, कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है, लेकिन अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि बॉस याद रखने वाली चीज है, एग्जाम में पूछते हैं। ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज आल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम, ठीक है। क्या काम होता है इसका? एट द सरफेस ऑफ द एपिथीलियम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर अनयूजुअल, एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन्स आर द स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स। इट इज बिलीव दैट दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स मेक द मेम्ब्रेन इंपरवियस एंड रेजिस्टेंट टू द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द यूरिन। समझने वाली बात है बॉस, देखो पूरे यूरिनरी सिस्टम में, अब ये सपोज ब्लैडर है, ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा है, ऊपर से इसमें यूरेटर्स आ रहे हैं, इसमें सारा क्या जमा है? इसमें यूरिन जमा है, यूरिन के अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी हैं, बहुत सारा लिक्विड भी है। तो यहां जो एपिथीलियम है उसको कैसा होना चाहिए? परमिएबल टू सब्सटेंसेस या नॉन परमिएबल? ऑब्वियसली नॉन परमिएबल, वरना ये होता कि यहां पे सारा ये टॉक्सिक चीजें जमा होती और आपकी बॉडी में ये सब एब्जॉर्ब हो रहा होता, ये हम नहीं चाहते। तो हमको यहां पे वाटर प्रूफ किस्म की कवरिंग चाहिए, और वो वाटर प्रूफ किस्म की कवरिंग है यूरोथीलियम। नेचर ने आपका बहुत ख्याल रखा है, आपके हर पार्ट को, हर ऑर्गन को ऐसे सेल्स दिए हैं जिसकी वहां रिक्वायरमेंट है। आपके ब्लैडर को दिया है वाटर प्रूफ सिस्टम यूरोथीलियम की शक्ल में, आपकी इंटेस्टाइन को दिया है स्ट्राइ ब्रश बॉर्डर ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, आपकी स्किन को दिया है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज स्ट्रक्चर ताकि वहां प्रोटेक्शन हो सके, आपके ग्लैंड्स को दिए हैं क्यूबॉइडल सेल्स ताकि वहां पे सिक्रीशन हो सके। यार बॉडी ने बड़ा आपका ख्याल रखा है, और वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर कि हमें इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, जैसे सेल जहां चाहिए वैसे सेल वहां दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिट इंफॉर्मेशन दी है। विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द सेल्स ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथीलियम आर सीन टू बी फर्मली यूनाइटेड टू वन अनदर वाया न्यूमरस डेस्मोसोम्स। आ रहे हैं, इनको आपस में जोड़ना इसलिए है ताकि ये वाटर प्रूफ हो सके, लीक प्रूफ हो सके, ठीक है। मजीद इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अभी फर्दर डिस्कस करूं। अगली वैरायटी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस हमने पढ़ ली, ट्रांजिशनल कैटेगरी हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर्स होंगी, और कॉलुमिनर या क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। This epithelium consists of two or more layers of cuboidal or columnar cells, ठीक है। ये जैसे यहां पर डायग्राम बताई भी है, stratified columnar, दो लेयर्स हैं, टॉप वाली लेयर अगर columnar है तो stratified, क्योंकि दो लेयर्स हैं इसलिए stratified, columnar क्योंकि टॉप लेयर columnar है, ये stratified cuboidal होगी क्योंकि ये नीचे भी cuboidal ऊपर भी cuboidal, ठीक है। तो ये stratified cuboidal है, बात समझ में आती है, easy to understand। होते कहां हैं? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलुमिनर इज सीन यूजुअली इन द लार्ज डक्ट्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। फंक्शन सिक्रीटरी फंक्शन है इनका, चूंकि ये ग्लैंड्स में है इसलिए सिक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। नाउ एक पैथोलॉजिकल कोरिलेशन इन्होंने दिया है, ट्यूमर्स अराइजिंग फ्रॉम एपिथीलिया, अ ट्यूमर और नियोप्लाज्म कैन अराइज फ्रॉम एनी टिश्यू इफ देयर इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जाहिर है कहीं से भी बन सकता है, अगर
वो आपके एपिथीलिया से बन रहा है और ग्लैंड से बन रहा है, तो बिनाइन है तो एडिनोमा कहेंगे, और अगर एपिथीलिया से निकल के मैलिग्नेंट है तो कार्सिनोमा कहेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको बताने चाहिए, डिटेल में तब पढ़ेंगे जब बात करूंगा ऑनकोलॉजी के चैप्टर्स की, पैथोलॉजी में और मेडिसिन में, तब आपको बताऊंगा कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय एडिनोमा, कार्सिनोमा, डिफरेंशिएटेड ट्यूमर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर क्या होता है। विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन। ठीक है, नाउ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, द शेप ऑफ द एपिथेलियल सेल इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। ये बात सही है यार, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर साइटोप्लाज्म बहुत कम है तो फ्लैट सेल्स होंगे ऐसे, स्क्वामस एपिथेलियम ऐसे है ना, और अगर कोई ऐसा सेल टाइप है जिसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि कोलोमनर सेल्स में, तो इसमें फिर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताई है यहाँ पे। और अगर कोई सिक्रीटरी है यानी क्यूबॉइडल एपिथीलियम है तो इसमें सिक्रीशन होगी प्रोटीन की, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होगा। तो न सिर्फ ये कि किस ऑर्गन में कौन से सेल्स होंगे, सेल्स के फंक्शन के हिसाब से उसके ऑर्गेनेल्स भी रखे नेचर ने आपके लिए, कि जहां सिक्रीशन ज्यादा है वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, जहां पे एनर्जी का ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फंक्शन बहुत ज्यादा है, जहरे अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है तो एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी चाहिए होगा, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा रखी है। सो नेचर हैज प्रोवाइडेड यू ऑल दैट यू नीड बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये फर्दर कुछ नोट्स हैं जो पढ़ते जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं एक दफा। लेटरली एपिथेलियल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद अदर एपिथेलियल सेल्स, आ रहे आपस में मिलके चलते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं ना, ये यूं आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे स्क्वामस है तो यहाँ पे ऑक्लूडिंग जंक्शन होंगे, इसको हम बेसिकली कहते हैं जंक्शन। ठीक है, द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स इज एन इंटीमेट वन, बहुत ही क्लोज आपस में होते हैं, इंटीमेट रिलेशन की तरह, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेस्मोसोम, ये पढ़ेंगे, इसकी हिस्टोलॉजी अलग से पढ़ेंगे, जोनुला एडरेंस, जोनुला ऑक्लूडेंस, यार ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, नाउ वी हैव सीन दैट सीलिया आर प्रेजेंट समटाइम्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ये बात हो गई है, एपिथेलिया आर जनरली डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी हम बात कर चुके हैं कि दे आर एवास्कुलर, इनकी अलग से कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इनमें डिफ्यूजन के जरिए, यानी अगर सेल है यहां पे तो इसकी अपनी कोई ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल आ रही होगी यहां पे, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीजें वाया डिफ्यूजन या अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूव करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, they have considerable capacity for repair, agar inko damage ho jaye they can repair themselves, regenerate ho jate hain zyada tar epithelia, it should be remembered that epithelial cells that look alike could have very different functions, dikhne mein ek jaise kaam alag alag, for example cuboidal cells lining the follicles of the thyroid gland have very little in common with the cuboidal cells covering the surface of the ovary, bahut yaar pyari baat ki hai, dekhne mein cuboidal function एक नहीं है, देखने में एक जैसे लेकिन फंक्शन एक नहीं है, ग्लैंड का जो क्यूबॉइडल सेल है वो सिक्रीट करेगा, लेकिन किडनी का जो क्यूबॉइडल सेल है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, वो सिक्रीट नहीं करेगा, तो फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी ज्यादा होगा, ये बात मैंने आपको बता दी अभी अभी। नाउ सम आर contains some proteins not present in non-epithelial cells such as cytokeratin, location ke hisab se hai, for example agar kisi particular area mein movement bahut zyada hai to wahan pe cytokeratin ka content zyada hoga, all these are important notes, you should read them। theek hai, to ye to ho gayi epithelia ki kahani, ab ek bahut important cheez hai boss, बार बार जब कभी मैंने epithelia ki diagram banayi to pehle ye line banayi hai, uske upar cells banaye, to ye line kya hai bhai, ये लाइन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल्स अटैच होते हैं, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन मल्टीलेयर्ड एपिथेलिया द डीपेस्ट सेल लाई ऑन द मेम्ब्रेन, ये बात भी हम समझ चुके हैं, अ डिस्टिंक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन कैन नॉट बी सीन इन हेमटोक्लिन एंड यूजिन स्टेन में, क्लियरली नजर नहीं आता, बट कैन बी वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग द पीएएस व्हिच इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, उसमें ये नजर आती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ऑब्वियसली नजर आती है, इज सीन टू हैव अ बेसल लैमिला, और इसकी लेयर्स भी हैं, बेसल लैमिला, अ रेटिकुलर लैमिला एंड अ फाइब्रो रेटिकुलर लैमिला। ठीक है, तो ये तीन इसकी लेयर्स दिखती हैं बाकायदा अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें। फिर जो बेसल लैमिना है विच इज टूवर्ड्स द एपिथेलियल सेल, यानी अगर ये बेस मैं अगर इसकी तीन लेयर्स बना दूं तो ये जो सबसे पहली लेयर जो सेल्स के नजदीक होती है इसको नाम देते हैं बेसल लैमिला। ठीक है, अब ये बेसल लैमिला इज फर्दर डिवाइडेड इंटू लैमिला डेंसा विच इज कंटेनिंग फाइब्रिल्स एंड द लैमिना ल्यूसिडा। ठीक है, लैमिना ल्यूसिडा में क्या होता है, विच कंटेन्स nothing, so it appears transparent,
लेमिना लूसिडा लाइज अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के ये क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करें, इनको याद करें। फंक्शन क्या है जी बेसमेंट मेम्ब्रेन का? इट प्रोवाइड एडिशन ऑन वन साइड ऑफ द एपिथेलियल सेल। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल अटैच हो रहा है तो इट प्रोवाइड एडिशन ऑफ टू द सेल्स। इट एक्ट एज अ बैरियर टू द डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इट्स अ मेम्ब्रेन तो यहां से मॉलिक्यूल पास होना, इट्स अ बैरियर। लार्ज प्रोटीन्स आर प्रिवेंटेड ताकि बड़े मॉलिक्यूल्स ना गुजर सके, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर अलाउड। Recent research also suggests that basement membrane may play a role in cell organization, such as molecule within the cell, to and fro movements of the cell. तो इसके और भी काम further research से पता लग रहे हैं। The membranes may influence the regeneration of the peripheral nerves after injury. इनका role regeneration में भी है। So ये सारे जनाब बातें थी जो epithelia के बारे में आपको पता होनी चाहिए। A little about the basement membrane, एक बात ये यहाँ बता दूँ कि basement membrane की detail में histology आगे चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब चूंकि हम एपिथीलिया की बात कर रहे हैं और बार बार मैंने आपसे ये बात की कि एपिथीलिया पर्टिकुलरली जो कॉलोमिनर एपिथीलिया थी उसकी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। इसमें तीन तरह की मॉडिफिकेशंस हैं जो हम पढ़ेंगे जो एपिथीलियल सेल्स में होती हैं। नंबर वन इज द प्रेजेंस ऑफ सीलिया, नंबर टू इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाय, एंड नंबर थ्री इज द प्रेजेंस ऑफ स्टीरियोसीलिया। अब देखो बात यह है कि इन तीनों का ना फंक्शन अलग अलग है। सीलिया जो अभी इसका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सीलिया हर उस जगह मौजूद होगा जहां मूवमेंट चाहिए, क्योंकि सीलिया का काम ये है कि ये मूव करता है। जैसे चप्पू होता है यार, कश्ती होती है ना, कश्ती दरिया में अगर आपको चलानी है तो चप्पू मार रहे होते हैं, चप्पू पानी को पीछे मूव करेगा तो कश्ती आगे जाएगी। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग आपकी बॉडी में है। ट्रैकिया में ऐसे सेल्स हैं जिसमें सीलिया है, तो ये जब बहुत सारे सेल्स का सीलिया ऊपर मूव करेगा तो एक वेव बनेगी और यहाँ जितना म्यूकस वगैरह है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये सीलिया इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसमें समझाया था ये कि अगर फ्लॉपियन ट्यूब्स हैं और ये यूट्रस है तो ये फ्लॉपियन ट्यूब में सीलिया वाले सेल्स उसको पुश करेंगे ओवम को आगे की तरफ। तो यहाँ पे जहां पुशिंग मूवमेंट चाहिए वहां पे सीलिया होगा, जहां पे बहुत सारी एब्जॉर्प्शन करनी है वहां पे माइक्रोविलाय होंगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो आपके सेल्स के ऊपर ये सरफेस मॉडिफिकेशंस या प्रोजेक्शंस हो सकती हैं। तीन तरह की चीजें आपको याद रखनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं सीलिया। दे कैन बी सीन विद द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आता है as minute hair-like projections from the free surface of some epithelial cell. So epithelial cell, basement membrane, epithelial cell, और ये hair-like projection, ठीक है? So that is the cilia structure. The detailed structure of cilia can only be made out by the electron microscopy. सिर्फ electron microscopy पे ये नजर आता है। The free part of the cilium is called the shaft, यानी जो हवा में लहराता हुआ part है उसका, अगर ये cell है और ये जो लहराता हुआ हवा में free part है, that is called the shaft. And the region of the attachment of the shaft to the cell is known as the base. और जहां ये cell के साथ attach है उसको हम नाम देते हैं base. इसके दूसरे नाम है basal body, basal granule या kinetosome, ठीक है। The free end of the shaft appears ends tapers to a tip. एंड में यहां पर एक टिप मौजूद है और ईच सीलियम इज अराउंड 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अच्छा, इसकी एक आउटर लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होती है और इसकी एक इनर कोर होता है जिसको एक्सोनीम भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन अ टिपिकल फैशन। और वो टिपिकल फैशन क्या है वो देख लो डायग्राम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सीलिया की आपको अरेंजमेंट बताइए कि ये आउटर लेयर है और अंदर इसके ये जो इसका कोर है ना उसमें प्रोटीन्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह अटैच होते हैं कि सेंटर में दो, एक डबलेट होता है सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है ऑन ईच साइड राइट हाफ और लेफ्ट हाफ और अलग अलग होते हैं ये, इसलिए ये सिंगलेट है, होते लेकिन दो हैं। और पेरीफ्री में साथ जुड़े हुए ये दो दो माइक्रोट्यूब्यूल है तो इनको कहा जाता है डबलेट। सो दैट इज कॉल्ड द डबलेट। ये देखो एक ये और उसके बिल्कुल साथ ही दूसरा, तो ये कहलाता है ऐसे 9 डबलेट्स होते हैं, 9 डबलेट्स आर प्रेजेंट। तो अगर सेक्शन देखें तो ये सेक्शन है, सेक्शन में ये डबलेट है, दैट इज अ डबलेट, ठीक है ना, ये डबलेट फिर ये डबलेट, तो ये 9 ऐसे डबलेट्स होंगे और ये सेंटर का सिंगलेट है, एक इधर और एक इधर। तो ये आपको स्ट्रक्चर इसका इस तरह से याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। फिर एक आध इसमें और स्ट्रक्चर के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये डिटेल्स बहुत ज्यादा, दिस आर अ लिटिल टू मच। डाइनिन एक प्रोटीन है और नेक्सिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सीलिया आर बाउंड विद द प्रोटीन्स। नेक्सिन होल्ड्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स टुगेदर एंड डाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है। बहुत सी एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि ये जो सीलिया की मूवमेंट है ये कौन सी प्रोटीन से होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Dynein protein is important. Functional significance: cilia lining and epithelial surface move in coordination. सारे cilia move करते हैं। सोचो अगर बहुत सारे cells हैं यहाँ पर और हर एक के ऊपर cilia लगे हुए हैं, तो जब ये सब move करेंगे
तो एक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है. सो दे जनरेट अ वेव लाइक स्ट्रक्चर एंड एज अ रिजल्ट द फ्लूइड या म्यूकस या जो भी जो सॉलिड छोटी छोटी चीजें हैं वो मूव करेंगी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस मूव करेगा टुवर्ड्स द फैरिंग्स एंड टुवर्ड्स द लैरिंग्स ताकि ये बॉडी से आप बाहर निकाल दें. अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक की हम बात करें तो वहां पे ओवा की मूवमेंट के लिए जरूरी है फ्लॉपिन ट्यूब्स में. इन सम सिचुएशन देयर आर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म अ सेंसरी फंक्शन. हमेशा इसका काम मूवमेंट नहीं है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन भी फील करते हैं, जैसे कि इन द ऑल्फैक्टरी सीलिया, ये जो आपको खुशबू या बदबू सुंगाई देती है, अच्छी सी स्मेल या बुरी सी स्मेल, दैट इज ऑल्सो द सेंसरी फंक्शन ऑफ सीलिया, ठीक है. सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड काइनोसीलिया प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर. ओके, एबनॉर्मैलिटी ऑफ द सीलिया इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट. देखो अगर ये सीलिया आपके नॉर्मल पार्ट्स में जहां होने चाहिए थे वहां ये फंक्शन नहीं करते, इफ दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली तो इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम कैन रिजल्ट, जिसकी वजह से इस पर मेडोजोआ की मूवमेंट या ओवा की मूवमेंट ये अफेक्टेड हो सकती हैं. पर्टिकुलरली मे लीड टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम कॉल्ड इनफर्टिलिटी. तो लोग अक्सर इसकी वजह से काफी परेशान होते हैं. ऑल दो इस पर मेडोजोआ के अंदर टिपिकली सीलिया नहीं होता, सीलिया का बड़ा वर्जन होता है. सो इफ दिस इज इस पर मेडोजोआ तो उसमें ये लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है विच इज कॉल्ड फ्लैजिला, ठीक है. तो उसमें फ्लैजिला है, लेकिन अगर सीलियरी प्रॉब्लम है तो फ्लैजिलरी प्रॉब्लम भी होगा. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है सीलिया के बाद माइक्रोविलाय. माइक्रोविलाय दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल सर्फेस सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ देम आर यूजली विजिबल ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बात आपको याद रखनी है. लाइट माइक्रोस्कोप पे इजिली नजर नहीं आते. ये टेबल इंपॉर्टेंट है जहां सीलिया और माइक्रोविलाय का डिफरेंस दिया है. सीलिया का साइज अलग है, माइक्रोविलाय का साइज अलग है. दे आर मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर एंड माइक्रोविलाय आर नॉन मोटाइल एब्जॉर्प्शन वाला स्ट्रक्चर. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन. दे कंटेन 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं बहुत सारे. They are concerned with the movement of the ova. They are concerned with the absorption. Intestine में होते हैं. Seen over lining epithelium of the respiratory tract and uterine. And microvilli is seen in the lining epithelium of intestine. ठीक है? अच्छा, usually microvilli के ऊपर they have a layer of glycocalyx. ये बात आपको याद रखनी है. Sometimes with a light microscope, the free border of the epithelial cells of the small intestine appear to be thickened. The thickened striations perpendicular to the surface is known as the striated border. Striated border का अगेन काम है absorption. इसका दूसरा नाम है brush border. तो ये सब terms आपको पता होनी चाहिए boss. अच्छा, functional significance. Microvilli are non-motile processes which greatly increases the surface area. किस लिए? Absorption के लिए. For absorption. इसीलिए ये intestine में होते हैं और kidney में होते हैं. Make sense? है ना? अच्छा, स्टीरियोसीलिया आर वेरी लॉन्ग थिक माइक्रोविलाय. माइक्रोविलाय की एक समझ ले मॉडिफिकेशन है. इट्स वेरी लॉन्ग एंड थिक माइक्रोविलाय मेजरिंग अबाउट 5-10 माइक्रोमीटर एंड दे आर नॉन मोटाइल ऑल्सो. ठीक है, स्टीरियोसीलिया आर सीन ऑन द रिसेप्टर सेल्स ऑफ द इंटरनल एयर. सुनने के लिए हेल्प करते हैं ये, हेयरिंग में, समात में. ऑन एपिथेलियम ऑफ द एपिडाइडिमिस पर भी होते हैं. दे इंक्रीज द सेल सर्फेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन सच एज इन एपिडाइडिमिस. ठीक है, दैट्स ऑल. So that's basically all guys about epithelia. Last में एक दफा वो epithelia वाला टेबल रिपीट कर रहा हूं और फिर ये वीडियो एंड करूंगा. राइट, सो ये आ गया हमारा टेबल जो मैंने आपसे इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था और कहा था, ये दावा किया था कि जब एंड करेंगे इस वीडियो को तो ये टेबल आपको इजीली समझ आएगा. तो अब एक दफा दोबारा जल्दी से रिपीट करते हैं और इस वीडियो को क्लोज करते हैं. एपिथीलिया की क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स बताओ बॉस. टाइप नंबर वन, अगर एक लेयर ऑफ सेल है तो यूनिलेयर्ड सिंपल एपिथीलियम. टाइप नंबर टू, अगर एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्राटिफाइड एपिथीलियम. और नंबर थ्री, सूडो स्ट्राटिफाइड. ये तीनों टर्म्स अब आपको पता होनी चाहिए, सिंपल, स्ट्राटिफाइड, सूडो स्ट्राटिफाइड. सिंपल की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं. ए, जिसमें फ्लैट सेल्स हैं उसको कहेंगे स्क्वामस. बी, जिसमें क्यूबाइडल सेल्स हैं उसे कहेंगे क्यूबाइडल. और सी, जिसमें कोलमनर सेल्स हैं उसे कहेंगे कोलमनर. अब आपको इनकी लोकेशंस पता है, इनके फंक्शंस पता है, सब डिटेल्स पता है. और जो मल्टीलेयर्ड यानी स्ट्राटिफाइड थी, दैट कैन बी स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, दैट कैन बी ट्रांजिशनल जो कि यूरिनरी सिस्टम में होती है, यूरोथेलियल एपिथेलियम भी इसको हम कहते हैं. और सूडो स्ट्राटिफाइड आपको बता दिया कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी, बट दे आर फॉल्स मल्टीपल लेयर्स, नॉट ट्रू मल्टीपल लेयर्स. क्योंकि अगर ट्रू मल्टीपल लेयर्स होंगी तो उसको हम स्ट्राटिफाइड कहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द एपिथेलिया. अच्छे से इस चैप्टर को बार बार वीडियो को देखना है, याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए और आपके पूरे
मेडिकल कैरियर के लिए इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर टू रिमेंबर. एपिथेलिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. खत्म करते हैं इस वीडियो को यहां पर. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.